एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। जूलॉजी में या फिर बायोलॉजी में आपको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मुझे इन ऐप्स के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलती रहे। तो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स की अगर हम बात करें तो पॉइजनस अगर वर्ल्ड के अंदर बात करें तो 3000 स्पीसीज होती हैं स्नेक्स की, जिनमें से ओनली 300 स्पीसीज ही पॉइजनस होती है। इसके अलावा और जो स्पीसीज है, रिमेनिंग स्पीसीज नॉन पॉइजनस होती है। स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 325 स्पीसीज होती हैं स्नेक्स की, जिनमें से ओनली 75 स्पीसीज ही पॉइजनस होती है। तो ये जो है, अगर पॉइजनस स्पीसीज की बात करें कि इंडिया के अंदर मोस्ट जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, इनके अंदर इंडियन वाइपर आ गया जो कि मोस्ट एक तरह से कॉमन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर आता है, कोबरा हो गया, किंग कोबरा हो गया, ट्राइट हो गया, रैटल स्नेक हो गया, कोरल स्नेक हो गया। तो ये जो स्नेक्स हैं ये सारे क्या हैं, कॉमन पॉइजनस स्नेक्स हैं जो कि इंडिया के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के करैक्टर्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी हम उनको देख के कैसे बताएंगे कि ये पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है। तो उस आइडेंटिफिकेशन के बेस पे कुछ करैक्टर्स होते हैं। जैसे इनमें करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन फीचर है हेड की शेप, यानी कि शेप कैसी होगी, हेड की शेप से हम बता सकते हैं कि ये पॉइजनस है और नॉन पॉइजनस है। हेड की शेप, तो सबसे फर्स्ट है हेड की शेप कैसी होगी, हेड शेप। अगर नॉन पॉइजनस की बात करें तो ये एलिपिटिकल होगी, ये ऐसी शेप होगी, एलिपिटिकल शेप होगी। अगर हम बात करें पॉइजनस स्नेक्स की तो इनके अंदर कैसी है, ट्रेंगुलर शेप होती है हेड की। तो इससे हम देख के बता सकते हैं कि ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, ये पॉइजनस स्नेक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसी आइडेंटिफिकेशन के बेस पे बता सकते हैं कि ये पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है। कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिन्हें पॉइजनस स्नेक्स की जो हेड है वो ऐसा भी हो सकता है, यानी कि एलिपिटिकल भी हो सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर है हेड स्केल्स, हेड के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ये जो ये यहाँ पे हमें नजर आ रही है क्या है, स्केल्स है। ये स्केल्स कैसे होंगे, तो अगर स्केल्स लार्ज है, अगर इस कंडीशन इसमें देखें तो लार्ज स्केल प्रेजेंट है, यानी कि नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर कैसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज स्केल प्रेजेंट होते हैं। और जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके अंदर हेड स्केल्स की अगर हम बात करें बिल्कुल छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, स्केल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्मॉल हेड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फीचर अगर देखें तो नेक्स्ट फीचर के अंदर आएगा कलर। जो स्नेक्स हैं नॉन पॉइजनस स्नेक्स का कलर जो होता है डल कलर होता है, लेकिन जो पॉइजनस स्नेक होता है उनका ब्राइट कलर होता है। ब्राइट कलर होगा तो वो दूर से देखने में पहचान में आ जाएंगे और वो कैसे होते हैं, पॉइजनस स्नेक होते हैं। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक फीचर है हुड। हुड जो होता है नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसने ऐसे इसने अपना हुड कर लिया, यानी कि जो इसका हेड है वो एक तरह से एक्सटेंड कर लिया है, इसको क्या बोलते हैं, हुड। तो हुड जो है ये प्रेजेंट होता है पॉइजनस स्नेक्स के अंदर। नेक्स्ट फीचर है लोरियल पिट। लोरियल पिट जो है नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर एब्सेंट होती है, इनके अंदर तो एब्सेंट होती है, लेकिन पॉइजनस स्नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। और कहाँ प्रेजेंट होगी, बिटवीन नोस्ट्रिल एंड आईज। ये इसका नोस्ट्रिल हो गया और ये इसकी आई होगी, इनके बीच में ये लोरियल पिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, लोरियल पिट बोलते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट, ओनली पॉइजनस स्नेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फीचर है बैली स्केल्स और वेंट्रल्स, यानी इनकी जो बैली होती है, हेड स्केल्स हमने देख लिया, अब बैली स्केल्स की अगर हम बात करें तो बैली के ऊपर इनके अंदर स्केल जो होते हैं स्मॉल एंड कंटिन्यूस होते हैं विद डोर्सल्स, यानी डोर्सल्स तक क्या होते हैं, वो कंटिन्यू होते हैं यहाँ पे।
और जो नॉन पॉइजनस के अंदर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं एंड एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड कवरफुली, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करके कवर कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं। तो ये ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं पॉइजनस स्नेक्स के अंदर। हेड स्केल्स भी क्या थे यहाँ पे, नॉन पॉइजनस केस में हेड स्केल्स कैसे थे, यहाँ पे लार्ज थे और यहाँ पे कैसे थे, स्मॉल थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल एंड कंटिन्यूस विद डोर्सल्स होते हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्ज होते हैं पॉइजनस स्नेक्स के अंदर। तो पॉइजनस स्नेक्स के अंदर लार्ज बेली स्केल्स और वेंट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर की, नेक्स्ट फीचर है टीथ। जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उनके अंदर सारे के सारे टीथ जो है सेम होंगे। इनके अंदर ये देखिए, अगर सारे टीथ क्या है यहाँ पे, सेम है। लेकिन अगर पॉइजनस स्नेक्स की बात करें, पॉइजनस स्नेक्स के अंदर मैक्सिलरी टीथ आर लार्जर। यहाँ पे ये जो टीथ देखिए, अगर ये लार्जर है, ये वाले टीथ क्या है, लार्जर है, एंड हैव कैनाल्स कॉल्ड फैंग्स। और इनके अंदर कैनाल्स प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। यहाँ पे इनके अंदर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं इन वाले मैक्सिलरी टीथ के अंदर। तो इसके अंदर बाकी छोटे हैं, ये दो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नेक्स्ट फीचर है पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट होगी, पॉइजनस स्नेक्स के अंदर, यहाँ पे एब्सेंट होगी, क्योंकि ये पॉइजन या फिर विनोम जो है कंटेन करती है। तो पॉइजन ग्लैंड जो है वो सिर्फ पॉइजनस स्नेक्स के अंदर प्रेजेंट होगी। और ये जो पॉइजनस ग्लैंड है, ये मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड होती है। लेबियल ग्लैंड क्या होती है, मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड को ही पॉइजन ग्लैंड बोलते हैं, जो ये हमें ये नजर आ रही है यहाँ पे। ये क्या है, बाहर की तरफ खुलती है यहाँ पे, ये जो टीथ्स हैं यहाँ पे, इसके जो टीथ होते हैं मैक्सिलरी टीथ, वहाँ पे ये ओपन होती है। तो ये हो गई यहाँ पे पॉइजन ग्लैंड हो गई, ये पॉइजन डक्ट हो गई, और फिर ये नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, फैंग्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है टेल। टेल भी एक मोर इम्पोर्टेंट फीचर है इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए। नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर टेल जो है सिलिंड्रिकल होती है। ये जो टेल होगी ये कैसी होगी, सिलिंड्रिकल होगी। लेकिन पॉइजनस स्नेक के अंदर टेल जो है लेटरली कंप्रेस्ड होगी, लेटरली कंप्रेस्ड होगी, यानी कि जो लेटरल होंगे, लेटरल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपस में कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होती है, लेटरली कंप्रेस्ड टेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इन आइडेंटिफिकेशंस का अगर हम ओवरव्यू देखें, जैसे शेप ऑफ हेड, नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर एलिपिटिकल होती है, यहाँ पे कैसी होती है, ट्रेंगुलर होती है। हेड स्केल्स लार्ज होते हैं, पॉइजनस के अंदर स्मॉल होते हैं। कलर जो है स्नेक का कलर, यहाँ पे नॉन पॉइजनस का डल होता है, लेकिन पॉइजनस का ब्राइट कलर होता है। नेक्स्ट है हुड। हुड में यहाँ पे नॉन पॉइजनस के अंदर एब्सेंट होगा, लेकिन पॉइजनस के अंदर प्रेजेंट होता है। लोरियल पिट एब्सेंट होगी, यहाँ प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंट होती है बिटवीन नोस्ट्रिल एंड आईज के बीच में। बेली स्केल्स और वेंट्रल्स स्मॉल एंड कंटिन्यूस होते हैं विद डोर्सल्स, लेकिन यहाँ पे कैसे होते हैं, लार्ज एंड एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड कवरफुली। टिथ की अगर बात करें, सारे के सारे टिथ सेम होते हैं। यहाँ पे टिथ सेम नहीं होते हैं, यहाँ पे मैक्सिलरी टिथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि लॉन्गर होते हैं। मैक्सिलरी टिथ लॉन्गर हो जाते हैं और उनके अंदर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, इन कैनाल्स को क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। पॉइजन ग्लैंड एब्सेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और वो क्या होगी, मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट टेल यहाँ पे सिलिंड्रिकल होती है, और यहाँ पे लेटरली कंप्रेस्ड होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स है या फिर डिफरेंसेस है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइजन अपरेटस के बारे में, जिसके अंदर पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन डक्ट होगी, फैंग्स कहाँ पे और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।